morning everyone. So today's lecture will be started by the discussion of the questions from unit 4 sheet. So coordinate geometry ki jo unit 4 thi usme se aapke doubts jinhe main comment box mein dekh sakta hu those are question number 4 and 2 previous years. ओके गुड मॉर्निंग भाई सभी को गुड मॉर्निंग. सो बेसिकली यू आर आस्किंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 4 एंड द क्वेश्चन नंबर 4 इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन नंबर 4 एनटीएससी 2017 में पूछा गया था. And the question is the equation of the straight line. The equation of the straight line is y is equal to minus x plus 5. Then its slope and intersection. इंटरसेप्शन ऑन वाई एक्सिस विल बी. अब क्या है बच्चों की एक चीज तो आपको आती है स्लोप. अगर आप सीखे थे कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करो देन स्लोप इज माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वाई व्हेन इक्वेशन ऑफ लाइन इज रिप्रेजेंटेड इन जनरल फॉर्म. Minus coefficient of x that is 1, coefficient of y that is 1. So slope is minus 1, no doubt. You have done it. But ये intersection क्या होता है? तो अब एक छोटा सा topic अपन पढ़ते हैं. Intercept of a line. ये क्या होता है? देखो. क्या होता है कोई भी लाइन अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस को काट रही है इंटरसेक्ट कर रही है ये एक्स एक्सिस है. कोऑर्डिनेट एक्सिस जैसे ही बोला जाता है मींस एक्स एक्सिस पहले बोला जाता है वाई एक्सिस बाद में. तो अब यहां पर मान लीजिए ये 4,0 पर काट रही है इट इज इंटरसेक्टिंग वाई एक्सिस एट 0,3 सपोज. तो x इंटरसेप्ट कहलाएगा 4 और y इंटरसेप्ट कहलाएगा 3. दिस y इंटरसेप्ट एंड दिस x इंटरसेप्ट. लेकिन मान लीजिए कोई लाइन इस तरीके से काटे और सपोज दिस पॉइंट इज -2,0 एंड दिस पॉइंट इज 0,3. इन दैट केस x intercept will be this. Lekin x intercept is not the length of the intercept. Intercept means the part cut by line on coordinate axis but with sign. So x intercept -2 hoga na ki 2 aur y intercept kitna hoga 3 hoga. मान लीजिए मैं ऐसे काटती 4,0 यहां काट रही है और यहां है 0,-3 या 0,-8. x इंटरसेप्ट 4 y इंटरसेप्ट -8. तो बेसिकली आई वाज टीचिंग यू इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन. मैं थ्योरी लिख देता हूं आप एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है. एक्स इंटरसेप्ट होता है ए वेयर लाइन कट्स एक्स एक्सिस एट ए कोमा 0 एंड व्हाट इज वाई इंटरसेप्ट बी वेयर लाइन कट्स y axis
at 0, comma b. What did you learn from here? Sir, we learned that we need to find, if we need to calculate intercepts of a line, then we need to find the points where the line cuts x-axis and y-axis. So here I give you an example. Find intercepts of straight line given by 2x minus y plus 4 is equal to 0. It is a straight line. So we are interested at the points where the line cuts the coordinate axis. The line may be like this, may be like this, may be like this, we don't know. So अगर कोई लाइन x एक्सिस को काट रही है तो पॉइंट x कोमा 0 होगा. तो x इक्वल टू जब 0 रखा तो मुझे मिला माइनस y प्लस 4 इक्वल टू 0, मींस y इज इक्वल टू 4. इसका मतलब 0 कोमा 4 पर ये y एक्सिस को काट रही है. एक बार x 0 रख दो, एक बार y 0 रख दो. ये वैसे भी x इंटरसेप्ट के लिए आपको y 0 रखना होगा और y इंटरसेप्ट के लिए x 0 रखना होगा. y 0 रखा तो 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 2, मतलब माइनस 2 कोमा 0 पर x एक्सिस को काट रही होगी. तो लाइन कैसी है? माइनस 2 और 4 इस तरीके से. ये माइनस 2 कोमा 0, ये 0 कोमा 4. तो इंटरसेप्ट्स क्या आ गए? इंटरसेप्ट्स आ गए, x इंटरसेप्ट पहले लिखा जाएगा, x इंटरसेप्ट माइनस 2, y इंटरसेप्ट्स, y इंटरसेप्ट 4. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 आल्सो. ओके, तो अब मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, उससे मुझे पता लगेगा वेदर यू गॉट इंटरसेप्ट ऑन मींस इंटरसेप्ट ऑफ लाइन का मतलब है कि आपको वो पॉइंट ढूंढना है जहां पर लाइन x एक्सिस को काट रही है. उसके लिए आप x एक्सिस को काट रही है तो उसके लिए आप लाइन की इक्वेशन में y = 0 रखोगे. फिर y इंटरसेप्ट के लिए वो पॉइंट ढूंढना पड़ेगा जहां पर लाइन y एक्सिस को कट कर रही है, मतलब x = 0 रखोगे. ओके, सो क्वेश्चन है, फाइंड y इंटरसेप्ट ऑफ लाइन 3x माइनस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0. टाइम लिमिट 1 मिनट. आपका समय शुरू होता है अब. कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए. बच्चों मैंने y इंटरसेप्ट पूछा है, पॉइंट नहीं पूछा है. y इंटरसेप्ट को समझो, y इंटरसेप्ट एक नंबर होता है. वो नंबर कहां से उठाया जाता है? पॉइंट से उठाया जाता है. अगर ये माइनस 2 कोमा 0 पर काट रहा है तो माइनस 2 कोमा 0 इज नॉट द y इंटरसेप्ट. माइनस 2 कोमा 0 पर x एक्सिस को काट रही है लाइन मींस माइनस 2 कोमा 0 इज नॉट द x इंटरसेप्ट. माइनस 2 इज x इंटरसेप्ट. एंड इफ लाइन कट्स y एक्सिस एट 0 कोमा 4 देन 0 कोमा 4 इज नॉट y इंटरसेप्ट. इंटरसेप्ट मतलब कटा हुआ पोर्शन, तो इंटरसेप्ट 4. तो अपने आंसर को करेक्ट कीजिए. ओके, तो y इंटरसेप्ट आ गया माइनस, व्हिच इज करेक्ट. सभी ने करेक्ट जवाब दिया, नंदिनी ने पहले पॉइंट दे दिया था. तो अब इस क्वेश्चन का y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? अब आपको आ जाएगा, तो यानी y इंटरसेप्ट x = 0 रखा तो y = 5, तो y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? 5. So, I think that it has been clear. अगला doubt है, question number 2. अभी जो question number 2 पूछा है, ये previous year से पूछा है या exercise 1 से पूछा है? अभी clear करो. अगर previous year से पूछा है तो मैं बता देता हूँ. Question number 2, NTSC 2014. If the coordinate center, coordinate
सेंटर ऑफ अ सर्कल आर 3.4 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ, मतलब एक्चुअली कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कल है, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ अ सर्कल आर 3.4, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ अ सर्कल आर 3.4 एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ वन एंड ऑफ इट्स डायमीटर, वन एंड ऑफ इट्स डायमीटर, हर चीज दिखनी चाहिए तो क्वेश्चन होता है, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ वन एंड ऑफ इट्स डायमीटर आर 5.3. अब इसको भी ले सकते थे 5.3. देन अदर एंड ऑफ द डायमीटर मिल गई, अदर एंड, ये वाला एंड क्या होगा, तो लेट इट बी ए को मम्मी, इट्स क्वाइट सिंपल, सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस टू पॉइंट्स, ए प्लस 5/2 विल बी इक्वल टू 3, सिमिलरली बी प्लस 3/2 4, ए आ गया 6 माइनस 5, बी आ गया 8 माइनस 3 5, तो अदर एंड क्या आ गया 1.5, तो अदर एंड हो जाएगा 1.5, ऑप्शन सी. मेरा डाउट 12 एक्सरसाइज 1 से है. ओके, एक क्वेश्चन नंबर 6 पे डाउट है वो भी बता देता हूं प्रीवियस ईयर का, फिर एक्सरसाइज 1 पे आता हूं. क्वेश्चन नंबर 6, एनटीएससी 2019, फॉर अ ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस आर, कल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लेक्चर में यही कराया था मैंने, फॉर अ ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस आर 8.6, 8.-2 and 2.-2. Question number 6, exercise 2, NTSC 2019. आपसे पूछ रहा है, for a triangle whose vertices are, the coordinates of the circumcenter will be. Circumcenter means center of the circle which passes through the all three vertices of the triangle. Circumcenter means center of circumcircle, and you know what is circumcircle. ठीक है? अब अगर ये तीनों पॉइंट से निकल रहा है तो जो भी सेंटर होगा उससे ये तीनों इक्विडिस्टेंट होंगे. कल इसी क्वेश्चन पर हम लोगों ने डिस्कशन किया था. इस क्वेश्चन में मैं आपको टिप भी दूंगा. तो बेसिकली मुझे सर्कम सेंटर निकालना है एक कोमा बी. बच्चों आई सजेस्ट कि ऑप्शन पकड़ने ज्यादा ठीक रहेगा. ऑप्शन ए है 5.2, बी है माइनस, बी है 2.5, सी है माइनस 5.2 एंड डी है 2.-5. कल मैंने आपसे पूछा था कि सर्कम सर्कल का सेंटर क्या होगा, तो हमने क्या किया था, OA स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर किया था, फिर OB स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर किया था, और फिर उसे A और B लेकर के आए थे. अभी भी आप ऐसा कर सकते हो, या सेंटर की जगह 5.2 रख करके इन दोनों से डिस्टेंस चेक कर सकते हो, 2.5 रख करके इन दोनों से डिस्टेंस चेक करते हो, बराबर आई तो बात बन जाएगी. तो पहले ऑब्जेक्टिव अप्रोच से कर देते हैं. तो अगर मैं O को 5.2 रखू, ये जो सर्कम सेंटर है, तो 5.2 की 8.6 से डिस्टेंस, 5.2 की 8.6, तो 5-8 3 का स्क्वायर, 2-6 4 का स्क्वायर, 5 आया. ओ भी निकालो, 5.2 5-8 3 का स्क्वायर, 2-2 4 का स्क्वायर, सर ये भी 5 आया, तो उम्मीद है कि ओसी भी उतना ही आएगा. तो 5.2 5.3 का स्क्वायर, 5.3 का स्क्वायर 9, 2-2 16, 5 आया, यानी कि फाइनल हो जाएगा. और अगर ये फाइनल नहीं हो गया तो दूसरे ऑप्शन पे आएंगे. बट मेथड अगर आप जानना चाहते हो तो मेथड क्या है, कल मैंने आपको बताया था, लेट सेंटर जो है ए कोमा बी, फिर ओ ए स्क्वायर इक्वल्स टू, कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, कॉन्सेप्ट लगेगा कि जब भी किसी ट्राइंगल के सर्कम सेंटर को पूछा जाए तो सर्कम सेंटर वो पॉइंट होता है जो तीनों वर्टाइसेस इक्विडिस्टेंट होता है. रीजन, तीनों वर्टाइसेस से सर्कल होकर के जाता है, तो जो भी सेंटर होगा उसे ये और ये इक्विडिस्टेंट होगा, बिकॉज रेडियाई. तो OA स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर हम लोग यूज करते हैं. पहले इन दोनों को पकड़ लेते हैं, फिर या तो इन दोनों को पकड़ लो या इन दोनों को पकड़ लो, उससे आपके पास A और B में दो इक्वेशन आती है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है. कल मैंने ये बताया था, लेकिन मेरा ये कहना है कि ये तो आपको बता दिया था, लेकिन एक छोटी सी टिप है,
मान लीजिए टिप क्या है कि कोई भी राइट ट्राइंगल हो, आपको ट्राइंगल में भी कहा गया राइट ट्राइंगल के जो सर्कम सर्कल की बात करते हैं, राइट ट्राइंगल के सर्कम सर्कल की जब भी बात करते हैं उसका सेंटर हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होगा। रीजन, किसी भी राइट ट्राइंगल को सर्कमस्क्राइब करने वाले सर्कल को अगर हम इमेजिन करें तो ये भी उसकी कोड है, ये भी उसकी कोड है, ये भी उसकी कोड है, लेकिन जो कोड सर्कमफेरेंस पर 90 डिग्री बनाती है वही कोड डायमीटर होती है। तो यानी कि जो हाइपोटेन्यूज होता है वो डायमीटर का काम करता है, लेकिन किस केस में? ओनली राइट ट्राइंगल के सर्कम सर्कल के केस में। तो टिप ये है कि हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट ट्राइंगल इज डायमीटर ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ राइट ट्राइंगल। छोटा सा कॉन्सेप्ट। तो जब भी कोई राइट ट्राइंगल बन जाए इन दोनों का मिड पॉइंट या इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट विल बी द सेंटर। एनटीएससी ने जो क्वेश्चन पूछा है, जैसा कि एनटीएससी की इमेज है कि क्वेश्चन इजी पूछेगी लेकिन कॉन्सेप्चुअल पूछेगी, तो हमने सर्कम सेंटर निकालने के लिए क्या किया था? ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ सी स्क्वायर, तरीका तो वही है, लेकिन इसने अभी क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन दिया कि एक ट्रायंगल के वर्टाइसेस 8.6 8.-2 एंड 2.-4। एक बार अगर हम इसको कंस्ट्रक्ट करें, हालांकि सर्कम सेंटर निकालने का तरीका आपको पता है कि कैसे निकालते हैं, दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर एंड दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर, उसे ए और बी आ जाएगा, वो तो ट्रेडिशनल तरीका है, करेक्ट तरीका है, वैसे ही किया जाता है। लेकिन यहां पर बात ऑब्जर्वेशन की, एज आई ट्राई टू कंस्ट्रक्ट 8.6 यहां कहीं होगा, ये 8 है और ये 6 है, एक वर्टेक्स ये है, दूसरा है 8.-2, तो 8.-2 यहां होगा, 8.-2, फिर 2.-2, 1, 2, 2.-2, 2.-2, ध्यान से देखो ये भी -2 की लाइन, ये भी -2 की लाइन, राइट ट्रायंगल बना के नहीं होगा। तो ये क्या था 8.2, ये क्या था 2.-2, ये क्या था 8.-2, तो राइट ट्रायंगल बना ही क्योंकि -2 की लाइन नहीं बनी, y = -2। तो सर्कम सेंटर क्या आना चाहिए था, इन दोनों का मिड पॉइंट 8+2/2 यानी 5, 2+-2 means 0/2। एक सेकंड रुको, 5.0 आ रहा है तो मैंने गड़बड़ की है क्या, 8.6 है, हाँ ये 8.6 है, 8.6 ही तो था, तो 6+-2 4/2। इतनी देर से जो भी बड़बड़ कर रहा हूं, यू गॉट दिस टिप और नॉट, टाइप यस इफ यू गॉट इट, दोनों बात है, टिप भी और एनटीएससी का क्वेश्चन नंबर 60। सो इफ यू गॉट बोथ ऑफ दीज टाइप यस इन द कमेंट बॉक्स, इफ यू डिडंट गेट टाइप नो इन द कमेंट बॉक्स। फटाक से ओके, तो सभी को समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। तो इसीलिए ना एनटीएससी में ये कहा जाता है कि क्वेश्चन इजी ही होगा, इसका मतलब अब यहां से आपके दिमाग में ये आएगा कि सर क्या अगर किसी भी ट्राइंगल का सर्कम सेंटर पूछा जाएगा तो शुड बी चेक वेदर द ट्राइंगल इज राइट ट्राइंगल और नॉट, है ना। ऐसे ही बच्चों अगर ऑर्थो सेंटर भी पूछते हो, जैसे कि इस ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर कहाँ होगा 8.-2 पर, ये मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बताया, तो अगर आपसे एनटीएससी में ऑर्थो सेंटर पूछा जाए तो याद रखना कहां होगा, जहां राइट ट्राइंगल बनता है, और अगर राइट ट्राइंगल नहीं बनेगा तो ऐसा क्वेश्चन आएगा भी नहीं एनटीएससी में। अब है एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 12।
ये बहुत जोरदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही ज्यादा जोरदार। इफ माइनस वन कोमा टू, टू कोमा माइनस वन एंड थ्री कोमा वन आर एनी थ्री वर्टेसेस ऑफ, आर एनी थ्री वर्टेसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, देन ऑप्शन ए 2, 0, b, -2, 0, c, -2, 6 and d, 6, 2। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है -1, -2, -3, -1 देन फोर्थ वर्टेक्स। इस क्वेश्चन में अच्छी बात यह है कि यह क्वेश्चन इतना फेमस है कि हर जगह पूछा जाता है। मैं आपको फेमस क्वेश्चन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बता दूंगा, अभी चार क्वेश्चन दूंगा, चारों क्वेश्चन आपने कर दिया मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एनटीएसी में पूछे जाने वाला कोई भी क्वेश्चन आपसे गारंटीड बन जाएगा। अभी इसके बाद ये क्वेश्चन ना अच्छा एनसीईआरटी में भी है, लेकिन शायद आपने एनसीईआरटी नहीं की होगी। पैरेललोग्राम के क्या तीन वर्टाइसेस दिए हुए, -1, -2, -1 एंड 3। आप इसको 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 भी ले सकते थे। अब मजे की बात ये है कि आपसे पूछा जा रहा है कि पॉइंट डी क्या होगा। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं कि ये दोनों डिस्टेंस बराबर होंगी, उससे ए और बी में एक इक्वेशन बनाते हैं, तो ये दोनों डिस्टेंस बराबर होंगी, वाई बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये दोनों बराबर से ए और बी में दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है जिनको सॉल्व करना बच्चों बच्चों का खेल नहीं है, इवन आपको पढ़ाने वाले से भी नहीं होगी, बहुत दिक्कत आती है सॉल्व करने में, यानी कैलकुलेशन ज्यादा होती है। तो क्या करना चाहिए सर, आप पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को भूल गए, जो डायगोनल्स होते हैं बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, बस यही ट्रिक लगानी है। तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर मतलब बीडी का मिड पॉइंट, इसका मतलब मिड पॉइंट ऑफ बीडी, क्योंकि ये दोनों भी बराबर ये दोनों भी बराबर, तो मिड पॉइंट ऑफ बीडी विल बी इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ एसी, बस यही कॉन्सेप्ट, इससे फोर्थ वर्टेक्स निकल जाता है। मिड पॉइंट ऑफ बी डी ए प्लस टू बाई टू कोमा बी माइनस वन बाई टू विल बी इक्वल टू, दिस पॉइंट विल बी इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ ए सी, थ्री माइनस वन बाई टू, वन प्लस टू बाई टू। सो बेसिकली ये आया ए प्लस टू बाई टू कोमा बी माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू टू बाई टू वन थ्री बाई टू, ए की वैल्यू सॉल्व कर लो, ए प्लस टू बाई टू विल बी इक्वल टू वन, टू माइनस टू जीरो, बी की वैल्यू बी माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू थ्री बाई टू, तो बी इक्वल टू फोर, तो जीरो कोमा फोर ऑप्शन में नहीं है, तो इसीलिए क्वेश्चन फर्जी है, गलत है, क्योंकि अगर वो वर्टाइसेस देगा, लेकिन आप इसमें ना फर्जी तो मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बच्चों जब भी तीन वर्टाइसेस देता है ऑर्डर में देता है। अब एक बार ना हम कंस्ट्रक्शन को पकड़ते हैं, आंसर इसलिए नहीं आ रहा है फोर्थ वर्टेक्स ए और बी, प्रॉब्लम ये है मैंने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं किए, माइनस वन कोमा टू, टू कोमा माइनस वन, थ्री कोमा वन, थ्री प्लस माइनस वन बाई टू दैट इज वन, वन प्लस थ्री बाई टू दैट इज करेक्ट
ए प्लस टू बाई टू बी माइनस वन बाई टू, तो ए तो जीरो होगा। देखो मेरे हिसाब में इसने इसका ऑर्डर चेंज कर दिया। ऐसा अगर होता कि माइनस वन कोमा टू और ये थ्री कोमा वन और ये टू कोमा माइनस वन, तब शायद आ जाए। तो इसका मिड पॉइंट होगा टू प्लस माइनस वन यानी वन बाई टू, वन बाई टू। फिर यहां पर आएगा माइनस टू जीरो, तब आ जाएगा। तो बेसिकली आप इस क्वेश्चन में करेक्शन कर लो, माइनस वन कोमा टू, थ्री कोमा वन एंड टू कोमा माइनस वन, तभी क्वेश्चन आपसे हो जाएगा और आंसर आ जाएगा माइनस टू कोमा सी। तो ये करेक्शन कर लेना, या तो ये टाइपिंग एरर है या एनटीएसी में ही गलत क्वेश्चन आया होगा। पिछले साल बहुत सारे क्वेश्चन बोनस हुए थे, नहीं पिछले नहीं पिछले से पिछले साल बहुत सारे क्वेश्चन बोनस हुए थे, नहीं पिछले साल ही बोनस हुए थे सर। बट सेकंड डायग्राम पॉसिबल नहीं है लॉजिकली, यस एग्जैक्टली वही वही मैं कहना चाह रहा हूं। अच्छा सेकंड डायग्राम पॉसिबल नहीं, इसकी बात कर रहा है, देखते हैं। माइनस वन कोमा टू, थ्री कोमा वन, टू कोमा माइनस वन, टू कोमा माइनस वन, माइनस टू कोमा जीरो, माइनस टू कोमा जीरो, कैसे पॉसिबल नहीं भाई? पॉसिबल है, पॉसिबल तो अच्छा माइनस टू कोमा जीरो, ये पॉइंट है थ्री कोमा, ये पॉइंट है टू कोमा माइनस, टू कोमा माइनस वन तो लिया ही नहीं, माइनस वन कोमा टू, ये माइनस वन कोमा टू, ये पॉसिबल है माइनस वन कोमा टू, ये पॉसिबल है। और ये वाला देखते हैं, माइनस वन कोमा टू, माइनस वन कोमा टू, टू कोमा माइनस वन, फिर थ्री कोमा वन, फिर है जीरो कोमा फोर, ये भी पॉसिबल है बच्चों, दोनों ही पॉसिबल है। अगर लेकिन हमेशा याद रखना वर्टाइसेस ऑर्डर में दिए जाते हैं, तो पहले वाले क्वेश्चन का तो आंसर अवेलेबल ही नहीं है ऑप्शन। लेकिन अगर ये वाला वर्टेक्स इधर, ये वाला कर चुका हूं स्विचिंग क्वेश्चन में, ये जो टू कोमा माइनस वन है यहां लिखा हुआ है, थ्री कोमा वन यहां लिखा हुआ है, तो आप समझ ले रहे हो वर्टाइसेस हमेशा ऑर्डर में ही दिए जाने चाहिए सर। बट सेकंड डायग्राम पॉसिबल नहीं है, और कोई डाउट मुझे मिला नहीं है सर। मिड पॉइंट ऑफ बीडी के लिए क्या यूज किया है? सर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला से ही आगे बढ़ रहा, मजे ले लिए मेरे, थैंक्स विभास, एक टिप बताएं। ओके तो यानी बच्चों मेरे हिसाब से तो मैंने सब समझा दिया, मिड पॉइंट ऑफ बी डी के लिए क्या यूज किए हैं, मिड पॉइंट ऑफ बी डी के लिए क्या यूज किए हैं, ए प्लस टू बाई टू बी माइनस वन बाई टू, सिंपल है। वो क्वेश्चन गलत था, सही क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर आपका मैच हो जाएगा। और कोई डाउट है तो बताइए बच्चों। पॉसिबल दोनों थे, के बीच में बच्चों कुछ हुआ था, नाउ इट्स स्मूथ नाउ। तो चार क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन के बारे में आपको आते ही नहीं आता मैं बता देता हूं। ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल हूज
वर्टाइसेस आती है। ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है उसमें जो वर्टाइसेस है उससे पता लग जाएगा कि राइट ट्रायंगल है। दूसरा सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस आर गिवन, इसमें भी जो ट्रायंगल होता है वो राइट ट्रायंगल होता है। यानी जो मोस्ट फ्रिक्वेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम। तीसरा टू फाइंड फोर्थ वर्टेक्स ऑफ अ पेंडलोग्राम इफ थ्री वर्टाइसेस आर गिवन। और चौथी चीज जो अक्सर पूछी जाती है वो अब मैं भूल गया चौथी चीज। हालांकि मैंने आपको पढ़ा दी है बस अभी याद नहीं आ रही है। ठीक है, ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर फोर्थ वर्टेक्स और अपने आज का क्या पूछा था। ठीक है, तीन चीजें। अब मुझे बताओ जो बोर्ड पे तीन चीजें लिखी हुई है ये आपको आती है या नहीं आती है। अगर आती है तो टाइप यस और नहीं आती है तो टाइप नो। विभाज फैक्टराइजेशन वाला एक तरीका सर स्लोप बता दो ना। अरे तो स्लोप भी मैं दो दो बार बता चुका हूं भाई, सीधा सा एक फंडा रटना है। स्लोप क्या होती है, कोई भी लाइन है वो लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाती है, मान लीजिए लाइन ये है ये वाला एंगल, मान लीजिए लाइन ये है ये वाला एंगल, मान लीजिए कोई भी लाइन एक्स एक्सिस से डेफिनेटली कोई एंगल बनाएगी, लेकिन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल ऐसे नहीं लेना है, एंगल एंटी क्लॉक वाइज ही लेना है क्लॉक के अगेंस्ट। तो ये जो एंगल होता है तो लाइन की स्लोप होती है टेन थीटा। इसको निकालने का तरीका दो तरीके होते हैं, फाइंडिंग स्लोप ऑफ अ लाइन, फाइंडिंग स्लोप ऑफ अ लाइन, इसके दो तरीके होते हैं। अगर थीटा इज गिवन, थीटा इज गिवन है तो स्लोप क्या हो जाएगा, जबकि थीटा क्या है, एंगल मेड बाय द लाइन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। दूसरा If two points are given, if two points are given, अगर कोई दो पॉइंट लाइन पर दिए हैं एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई, ऐसे में स्लोप कल मैंने बताया था वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, आज भी बता रहा हूं। इफ इक्वेशन ऑफ द लाइन इज गिवन, अगर इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है कि एक स्ट्रेट लाइन है ax plus by plus c equal to zero, तो स्लोप होती है m, यूजुअली स्लोप को m बोल देते हैं, तो स्लोप ऑफ द लाइन होती है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। मुझे यस मिल चुका है। विभाज बोल रहे हैं फैक्टराइजेशन वाला तरीका एक बार बता दीजिए ना सर। विभाज मैं बता दूंगा लेकिन वो 5-10 मिनट खराब कर देगा, इससे अच्छा है कि तू कल का लेक्चर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्लास 10th के लिए जो लगाया था उसको फास्ट फॉरवर्ड में देख लेना, एंड में बताया था, समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी टाइम वेस्ट हो जाएगा। और अगर तू फिर भी चाहता है तो दोबारा कमेंट कर दे, मैं बता दूंगा, लेकिन टाइम वेस्ट होगा क्योंकि डेफिनेटली इट कैन नॉट बी आस्क्ड इन एनटीएससी फॉर श्योर। बोर्ड में भी नहीं पूछा जा सकता, एडवांस में भी नहीं पूछा जा सकता। साइक्लिक फैक्टराइजेशन इज नॉट इन आवर सिलेबस, ना तो 9th में बताया गया ना ही 10th में बताया गया। ओके, सो आई एम गोइंग टू रब इट। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब पूरी करी ली, हाँ चौथा पॉइंट मुझे याद आ गया, चौथा पॉइंट इन सेंटर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरी हो जाएगी इससे हमारी।
इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल, इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है इसको देखते हैं। तो कोई भी ट्रायंगल हो बच्चों, उस ट्रायंगल का इन सेंटर मतलब एंगल बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो ये जो इन सेंटर होता है इसको कैसे निकालते हैं? तो आपने क्या क्या सीखा था, देखो चार स्पेशल पॉइंट आपने पढ़े थे। फोर स्पेशल पॉइंट्स में सेंट्रोइड आपने पढ़ा था जो कि आपको आता है x1 प्लस x2 प्लस। अगर ट्रायंगल के तीनों वर्टेसिस दिए हो तो सेंट्रोइड मतलब मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 x कोऑर्डिनेट, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 y कोऑर्डिनेट। सेकंड है सर्कम सेंटर। तरीका क्या है ट्रायंगल का सर्कम सेंटर मतलब ट्रायंगल के सर्कम सर्कल का सेंटर। तो एक ऐसा पॉइंट जो तीनों वर्टाइसेस से इक्विडिस्टेंट हो, a कोमा b लेकर के डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। ऑर्थो सेंटर, सर ये आपने निकालना नहीं सिखाया क्योंकि क्लास 11th का है ये, लेकिन हाँ राइट ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर पूछ लिया जाए तो हमें पता है कहां होता है। फोर्थ इन सेंटर, ये स्पेशल पॉइंट रह गया था। इन सेंटर मतलब क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट। ऑर्थो सेंटर एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट। सर्कमसेंटर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट, या सर्कमसेंटर मतलब वो पॉइंट जो तीनों वर्टिसेस से इक्विडिस्टेंट हो। अब इन सेंटर की बात करते हैं। तो एक ट्रायंगल के वर्टिसेस x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 हो, तो ये वाली लेंथ a होती है, ये वाली लेंथ b होती है, ये वाली साइड c होती है। तो इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ध्यान से समझना। हाउ कैन वी फाइंड इन सेंटर, जिस तरीके से सेंट्रोइड का फॉर्मूला याद है, जिस तरीके से सर्कम सेंटर के लिए मेथड याद है, जिस तरीके से ऑर्थो सेंटर के लिए कुछ भी याद नहीं है, बस इतना पता है राइट ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर कहां होता है। इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। इफ ऑल थ्री वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर गिवन, सो इफ ऑल थ्री वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल आर गिवन देन इन सेंटर विल बी, देखो इन सेंटर का x कोऑर्डिनेट तीनों x और ये तीनों साइड्स मिलकर के बने। तो कैसे, ax1 प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, फिर वाई कोऑर्डिनेट तो ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। आज ही होगी सब, आज क्लास है 1 बजे तक है आपकी। तो ये इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, आप इसको डायरेक्टली याद रखेंगे। इसके अलावा दूसरा सब्स्टिट्यूट भी मैं आपको बताता हूं इन सेंटर का, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। इन सेंटर के सब्स्टिट्यूट पर भी हम लोग आते हैं अभी, तो स्क्रीनशॉट आप ले लेना। ओके, तो क्वेश्चन है फाइंड इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल हूज वर्टाइसेस आर टू कोमा सिक्स टू कोमा वन एंड नहीं 2.1 नहीं ये 2.0 है, फिर है 10.0 निकालिए। आपको इन सेंटर निकालना है इसका, एक ट्रायंगल का जिसके वर्टाइसिस आपको दिए हुए हैं 2.6 2.0 एंड 10.0।
इतना आपको पता है कि इन सेंटर के लिए सिर्फ कोऑर्डिनेट्स सफिशिएंट नहीं है, तीनों साइड्स की लेंथ भी चाहिए, तो फाइंड इन सेंटर, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारी पूरी हो जाएगी। Okay, I got responses from your side. ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बच्चों हमारा कुछ नहीं बचा है, अब हम लोग नेक्स्ट सेक्टर की तरफ मूव करें। अब देखो आपको ना इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स रटने के लिए बोला है, बाकी सब समझाया है ना, तो इन सेंटर के कोऑर्डिनेट एक चीज तो रट ही सकते हो चैप्टर में, इसका भी प्रूफ मांगोगे तो प्रूफ तो है मेरे पास, लेकिन अभी ठीक नहीं है बताना। और वैसे अगर आपको जानना ही है तो मैं आपको बता दूं कि देखो मान लीजिए मुझे इसका एनसेंटर निकालना, तो ये साइड मुझे पता है कितनी है 6, ये साइड मुझे पता है कितनी है 8, तो ये जो एंगल बाइसेक्ट कराएगा तो ये जो एंगल बाइसेक्टर आएगा ये इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 3:4, 6:8,
इसे ये वाला पॉइंट में निकाल दूंगा, क्या हो जाएगा 3 इज टू 4 है ना, 3 इंटू 10 30 प्लस 8 38 बाय 7, y कोऑर्डिनेट 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 0। अब इसका तो एंगल बाइसेक्ट होगा, तब आपको ये वाली लेंथ निकालनी पड़ेगी, इसकी जरूरत ही नहीं, इन दोनों का रेशियो निकालना पड़ेगा। तो इसकी लंबाई कितनी है सर, ये जो है 3 इज टू 4 में है, तो इसका मतलब ये 3 नहीं है और ये 4 नहीं है, टोटल लेंथ है ये, नहीं मैंने गलत कर दिया, ये 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 10 है, इसलिए गड़बड़ हो गया। फिर रेशियो क्या गया, 3 इज टू 5 आ गया, 6 इज टू 10, तो 30 10 40 बाई 8 5 को मान, और 0 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 0 बाई 8। अब ये वाली लेंथ एंगल बाइसेक्टर आया तो 3 इज टू 5, टोटल लेंथ है 8, 3 इज टू 5 यानी एक्चुअल में ये 3 है और ये एक्चुअल में 5 है, यानी ये वाली लेंथ 3 और ये वाली लेंथ 6। तो ये वाला जो पॉइंट होगा, क्योंकि ये भी तो एंगल बाइसेक्टर है, इन सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, तो अब ये लेंथ हमने निकाली इस रेशियो से, टोटल लेंथ पता थी, रेशियो आ गया दोनों टुकड़ों का, तो ये टुकड़ों की लेंथ निकाल ली, ये लेंथ 3 है 6, तो ये क्या हो गया 1 2 2 3 2 6। अब ये वाला पॉइंट निकाल लेंगे 5, ये वाला पॉइंट है 5 कॉमन, 5 * 2 प्लस 1 * 2 12, 12 / 3 बाद में 6 y कोऑर्डिनेट निकालना है इसका, तो 2 into 0 plus 1 into 6 by 3 क्या आ गया 4 को मान। ये प्रूफ है वैसे, लेकिन आपको केवल एक ही चीज मैंने रटने को बोला है, वो है कोऑर्डिनेट्स ऑफ इनसेंटर, वो आप डायरेक्ट याद रखेंगे। इसी के साथ हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म होती है। नाउ वी विल स्टार्ट, अब जो 1 बजे तक के टारगेट में हमें दो चैप्टर निपटाने हैं, एक निपटाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक निपटाना है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज अ चैप्टर एंड यूनिट 2, यूनिट 4 हमारी कवर्ड है। तो बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने अब तक क्या क्या पढ़ा है, उसको हम लोग रिकॉल करते हैं एक बार। देखो सबसे पहले आपने सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा, जनरल फॉर्म क्या होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इनको कोएफिशिएंट्स कहते हैं, इसको लीडिंग कोएफिशिएंट कहते हैं, इसको कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर या कोएफिशिएंट या लीडिंग कोएफिशिएंट, इसको लीडिंग कोएफिशिएंट इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर ये नहीं पट गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी ही नहीं, क्योंकि x स्क्वायर की डिग्री को खा जाएगा, इसलिए बोलते हैं a नॉट इक्वल टू 0 b, या फिर इसको कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x, और ये कांस्टेंट है ही अपना, ये तो आपको पता था, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने देखा था एक तो फैक्टराइजेशन मेथड, एक आपने पढ़ा था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जिसका एनटीएसए में कोई मतलब नहीं है, तीसरा था श्रीधराचार्य फॉर्मूला, श्रीधराचार्य फॉर्मूला जो क्या होता है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो है, जनरल फॉर्म में कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दो, तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोलता है कि एक्स की वैल्यू होगी माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर एसी अपॉन टू। आई डोंट थिंक कि मुझे यहां पर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस करना चाहिए, आई जस्ट रिकॉल्ड कि भाई क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगला टॉपिक है हमारा, हम गोइंग टू रब इट, अगला टॉपिक आता है नेचर ऑफ रूट्स।
इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनटीएससी. अभी तो लास्ट ईयर भी क्वेश्चन पूछा गया है. ओके, नेचर ऑफ रूट्स एक अच्छा टॉपिक है, इससे मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा. पहले मैं कॉन्सेप्ट को रिकॉल करवा देता हूं. इमेजिनेशन अपना चालू रखना. कंसीडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब इसके रूट्स की नेचर पर कमेंट करना है तो या तो रूट्स निकाल लो और फिर कमेंट कर दो. रूट्स निकालने के बाद में मान लीजिए रूट्स एट 2, 3 तो हम बोल सकते हैं कि रूट्स रियल है, डिस्टिंक्ट है, रूट्स रैशनल है, डिस्टिंक्ट है, रूट्स इरेशनल नहीं है, रूट्स इंटीजर्स हैं. लेकिन अगर बिना रूट्स निकाले कमेंट करना हो तो आपको सिखाया गया कि ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू रियल, यानी ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू रियल मतलब रियल के खानदान से ताल्लुक रखते हैं, बिलोंग्स टू, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू सिंगल. पहले भी बताया हूं आपको ग्रामेटिकली. अभी यहां पर प्लूरल के सेंस में यूज हो रहा है तो ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग टू, ठीक है, बिलोंग टू या बिलोंग्स टू कुछ भी बोल सकते हैं. अगर कोई सिंगल एलिमेंट को बोल रहे हैं तो, या सीधा सीधा कि अगर एबीसी कोएफिशिएंट्स रियल हो एंड इफ b square minus 4ac greater than 0. अब आप ध्यान से समझो सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो पैराबोला फॉर्म करता है उसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करते हैं, बताऊंगा आज, अभी बताऊंगा, अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा. तो b square minus 4ac अगर greater than 0 है तो अब इस बात को समझना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी ले रहे हैं हम लोग. इसके दोनों रूट्स क्या होते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू है. ये रियल है, ये रियल है, रियल प्लस माइनस. सर ये रियल अगर आ जाएगा तो रियल प्लस माइनस रियल, कोई भी दो रियल नंबर्स का सम रियल अपॉन रियल, रियल अपॉन रियल ऑलवेज रियल. तो दिक्कत ये कि सर ये रियल होगा तो रूट्स रियल होंगे. और स्क्वायर रूट कब रियल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग जब यहां पर जीरो या जीरो से बड़ा नंबर है, यानी रूट ओवर एक्स या रूट ओवर is defined when x is greater than or equal to 0. तो अगर ये greater than 0 है तो root 5, root 7.9, root 13 तो ये real आएगा. तो real plus minus real upon real, roots are real and distinct. तो क्या कहेंगे, roots are real and distinct, ठीक है. अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो हो तो ये निपटेगा. जैसे ये निपटा रूट्स क्या आ गए, माइनस बी प्लस माइनस जीरो बाई टू है, माइनस बी बाई टू है, माइनस बी बाई टू, दोनों रूट्स क्या आ गए इक्वल. ये जो है ना इसके दोनों रूट्स इक्वल मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा. परफेक्ट स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो तो जिस अंदर जो है वो इक्वल टू जीरो तो दोनों रूट्स इक्वल हो. तो रूट्स are real and equal. Roots इस तरीके से होंगे 2/3, 2/3, root 2, root 2, 1/2, 1/2. Okay. अगर b square minus 4ac lesser than 0 हो गया तो सब कचरा हो जाएगा क्योंकि root के अंदर negative आ जाएगा. तो minus b plus minus non real, तो real plus minus non real, non real मतलब जो exist ही नहीं करता. तो जो exist ही नहीं करता तो roots भी क्या हो जाएंगे, non real. The roots are non-real या imaginary कह सकते हो and distinct. Distinct क्यों, क्योंकि minus b plus minus root over minus 5 by 3 ऐसा कुछ सेट हो, 2a की जगह 4 आ गया मान लीजिए. तो एक तो प्लस के साथ एक माइनस के साथ, तो दोनों जो नंबर दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते लेकिन डिस्टिंक्ट तो दिख रहे हैं, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ, तो डिस्टिंक्ट. अब यहां पर एक छोटा सा कंफ्यूजन कभी कभी क्वेश्चन में दे दिया जाता है. पहले तो मुझे बताओ कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया. इफ यू गॉट इट टाइप यस, यानी अगर ये आपको याद है अच्छे से फील हुआ तो टाइप यस, अदरवाइज टाइप नो.
क्योंकि फिर मैं क्वेश्चन देने वाला हूँ नेचर ऑफ रूट्स से। No, sir. Ashutosh Dubey says no, sir. बाकी सबका यस आया। तो आशुतोष दुबे, इसका मतलब मुझे ये बता कि तुझे इसमें क्या समझ नहीं आया। जैसे मैं एक दो प्रॉब्लम सॉल्व कराता हूँ, उसके बाद में आशुतोष को समझ में आ जाएगा। फिर नहीं आएगा बताना मेरे को। सारी कहानी सिर्फ इस बात की है कि भाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो हमेशा ऐसी होती है। इसके रूट्स होते हैं माइनस बी, रूट्स मतलब इसको सेटिस्फाई करने वाला, रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर एक्स अपॉन टू है। यहां पर अगर माइनस फाइव फंस जाएगा तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि रियल होता ही नहीं है। तो रूट्स क्या होगा, ये रियल है, ये रियल है, तो इमेजिनरी या फिर नॉन रियल एंड डिस्टिंक्ट। और अगर ये जीरो हो गया तो टर्म ही चली गई, तो दोनों रूट्स इक्वल है। और अगर ये ग्रेटर देन जीरो है तो ये क्या आएगा, रूट फाइव रूट टेन, तो अच्छी बात है ना। ठीक है, तो यानी क्या हुआ, रूट्स रियल है और डिस्टिंक्ट है, क्योंकि रूट फाइव रियल होता है, रूट ओवर कोई भी पॉजिटिव नंबर हमेशा रियल। ओके, बाकी सबका यस आया, एक नो आया। एक बार मैंने एक बार और बता दिया आशुतोष, अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, उसके बाद में फिर बताना भी समझ आएगा। क्वेश्चन है, इफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस नाइन इक्वल टू जीरो आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, देन K can never be option A, 7 B minus 8 C 9 D minus 5। जवाब देना है ऑप्शन में। शिवांग भाई दे रिप्लाइड, सुजस यादव रिप्लाइड, ओनली टू रिप्लाइज आई हैव गॉट टू नो। ओके, सभी का डी आया। तो देखो, रियल एंड डिस्टिंक्ट के लिए, रियल डिस्टिंक्ट के लिए जरूरी है कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो से बड़ा हो, मीन्स के स्क्वायर माइनस के का स्क्वायर, के स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो के स्क्वायर 36 से बड़ा होना चाहिए। के अगर 7 है तो 49 36 से बड़ा है, के की वैल्यू हो सकती है। माइनस 8, माइनस 8 का स्क्वायर 64 हो सकता है, 64 इज ग्रेटर देन 36। 9,
9 square that is 81 greater than 36 minus 5 नहीं हो सकता क्यों सर minus 5 हो जाएगा तो क्या होकर जाएगा देखो क्या होकर करता है देखते हैं इसके रूट से निकालते हैं minus b plus minus root over b square minus 4ac तो ये कचरा हो जाएगा बच्चों क्या है minus 11 तो roots क्या है real नहीं है ठीक है ओके अगला क्वेश्चन है If roots of the quadratic equation 4x square minus k plus 2x plus 9 equal to 0 are real and identical, identical मतलब same. Then value of k will be option A 10, B 12, C 8 and D none of these. किसमें और फटाक से जवाब दीजिए रूट से रिकवर मतलब आपको कंडीशन पता होना चाहिए Okay, I got first response, Sujash Yadav. Okay, A B answer आया, B B answer आया. देखो बच्चों, roots same है, मतलब B square minus 4AC equal to 0. तो b square means minus of k plus 2 का whole square is equal to 4ac तो k plus 2 का whole square कितना आया 144 k plus 2 plus 12 और minus 12 तो k कितना आएगा plus 12 minus 2 10 minus 2 minus minus 12 minus 2 minus 14 k की value या तो 10 या minus 14 तो माइनस 14 तो है नहीं तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन तो सही जवाब मुझे सिर्फ और सिर्फ विभाष नाथ ने दिया और साक्षी गोस्वामी ने दिया बाकी सब ने गलत जवाब दिया ये तो बच्चों टेंथ बोर्ड में भी पूछा जा सकता है और आप लोग ना हड़बड़ी कर रहे हो हड़बड़ी करके जवाब नहीं देना है अगला क्वेश्चन लो एक और नेचर ऑफ रूट्स पे फाइंड सॉरी नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के इंटीग्रल वैल्यूज मतलब है के की इंटीग्रल वैल्यूज यानी के की इंटीजर्स वैल्यूज इंटीजर वैल्यूज कितनी पॉसिबल है तो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के फॉर विच रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4kx
एक्स स्क्वायर प्लस टू के एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस टू के एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो और यह नाइन थ्री है आर नॉट रियल इज, मतलब के की कितनी इंटीग्रल वैल्यूज पॉसिबल है, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल, तो के की वैल्यू के की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है इज थ्री फोर फाइव सेवन कीजिए अपने से। आपको के की वैल्यूज नहीं निकालनी है, के की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है ये पता करना है, इंटीग्रल वैल्यूज। मैंने बच्चों एक सेकेंड रुको, हाँ ठीक है बताइए। ए ए तुम लोगों का ना दिमाग ऐसा खराब है, जब ऑप्शन में पूछा है आंसर तो ऑप्शन में दिया करो ना, ए बी सी डी टाइप करना और नंबर टाइप करना दोनों सेम है। ओके सो आई सॉल्व इट नाउ, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो होना चाहिए फॉर नॉट रियल रूट्स, फॉर नॉन रियल रूट्स, तो बी स्क्वायर मतलब फोर के स्क्वायर माइनस फोर ए सी ऐसा होना चाहिए, तो के स्क्वायर मस्ट बी लेसर देन फोर के स्क्वायर मस्ट बी लेसर देन ट्वेल्व मीन्स के स्क्वायर मस्ट बी लेसर देन थ्री। तो ऐसे कितने इंटीजर्स हैं नंबर टाइप पर जिनका स्क्वायर थ्री से छोटा होता है, सर इसका स्क्वायर जीरो से छोटा होता है, इसका स्क्वायर होता है तो इसका भी होगा, जो वन का स्क्वायर तीन से छोटा है इसका स्क्वायर तीन से छोटा, इसका भी तीन से छोटा तो इसका भी तीन से छोटा, टू का नहीं होगा तीन का नहीं होगा तो माइनस टू माइनस थ्री एक दो तीन, तो कितनी वैल्यूज के की पॉसिबल है थ्री, और के की वैल्यूज क्या क्या है माइनस वन जीरो और ऐसे, तो के की बहुत सारी वैल्यूज है, ये भी के की वैल्यू पॉसिबल है, ये भी है ये भी है ये भी है, न जाने कितनी वैल्यूज पॉसिबल है के की, बट द थिंग इज कि हमें इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के में इंटरेस्ट है, इंटीजर इंटीजर्स में सिर्फ तीन ही इंटीजर्स ऐसे हैं जिनका स्क्वायर तीन से छोटा है। ओके तो आपको ये समझ में आ गया होगा नेचर ऑफ रूट्स पे आखिरी क्वेश्चन, नहीं पहले कुछ बता देता हूं नेचर ऑफ रूट्स में, तो हम लोग नेचर ऑफ रूट्स में इतना तो समझ गए कि रियल और डिस्टिंक्ट इमेजिनरी इक्वल, अब एक नई चीज पढ़ते हैं नेचर ऑफ रूट्स में, इफ यानी पॉइंट वन पढ़ चुके हैं, पॉइंट वन पढ़ चुके हैं हम रियल इक्वल एंड नॉन रियल रूट्स के बारे में पढ़ चुके हैं,
नेचर ऑफ रूट्स में हम लोग पढ़ रहे हैं, इफ ए कोमा बी कोमा सी आर रैशनल, इफ ए कोमा बी कोमा सी आर रैशनल देन रूट्स आर ऑलवेज इन कॉन्जुगेट पेयर। ये क्या होता है कॉन्जुगेट पेयर, या ऐसे समझ लो कि ए कोमा रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ ए, रैशनलाइजिंग मतलब आप ऐसा समझो कि रूट्स कैसे होंगे, जैसे एक रूट अगर 2 प्लस रूट 3 तो दूसरा 2 माइनस रूट 3 होगा, एक रूट अगर रूट 2 प्लस 5 है तो रैशनलाइजिंग यानी कि सॉरी रैशनलाइजिंग नहीं कॉन्जुगेट जो होगा इरेशनल के रेस्पेक्ट, मतलब ऐसा समझ दो कि अगर रूट्स वन रूट अदर रूट रैशनल प्लस इरेशनल है तो दूसरा होगा रैशनल माइनस इरेशनल, जैसे कि अगर 2 प्लस रूट 3 एक रूट है तो दूसरा गारंटी 2 माइनस रूट 3 होगा, एक अगर रूट 5 प्लस 2 है तो दूसरा रूट 5 माइनस 2 नहीं होगा 2 माइनस रूट 5 होगा, क्योंकि ऐसे पढ़ना है रैशनल प्लस इरेशनल, तो कॉन्जुगेशन में या कॉन्जुगेट पेयर में इसका जोड़ा ऐसे बनेगा, क्योंकि बच्चों रैशनलाइजिंग फैक्टर तो इसके लिए रूट 5 माइनस 2 भी हो सकता है और 2 माइनस रूट 5 भी हो सकता है, लेकिन हम लोग यहां बात कर रहे हैं कॉन्जुगेट पेयर की, तो वो ऐसे बनता है रैशनल प्लस इरेशनल का कॉन्जुगेट पेयर होता है रैशनल माइनस इरेशनल। तो अगर एक रूट है रूट 11 माइनस 8 तो दूसरा रूट होगा ये क्या है माइनस 8 प्लस रूट ओवर 11 तो माइनस 8 माइनस रूट 11, ठीक है ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछूं इफ वन रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 3 माइनस 2 रूट 2 देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रैशनल कोएफिशिएंट्स विल बी ऑप्शन ए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, ऑप्शन बी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0, सी एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1 इक्वल टू 0, डी नन ऑफ दिस। आंसर दीजिए Nandini Patra replied first. देखो, हमने पढ़ा था कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं अगर कोएफिशिएंट्स रैशनल है तो रूट्स इरेशनल होने की स्थिति में इन द केस ऑफ इरेशनल रूट्स रूट्स आर ऑलवेज इन कॉन्जुगेट पेयर, मींस इफ वन रूट इज 2 प्लस रूट 3 देन अदर विल बी दिस। सो इसका मतलब वन रूट आपको क्या दिया हुआ है 3 माइनस 2 रूट 2 तो अदर क्या होगा 3 प्लस 2 रूट 2। अब इक्वेशन निकाल लो
तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, सम कितना आया 6 प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो दिस इनटू दिस 9 माइनस 8 1 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। अगला क्वेश्चन है, इसका मतलब बच्चों ये जो लाइन यहां पर लिखी है ये सिर्फ और सिर्फ रैशनल कोएफिशिएंट्स के लिए ही बात लागू होती है, क्योंकि मैं आपसे पूछूं कि फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब मेरा मन क्या किया, मेरा मन थोड़ा सा नेगेटिव हुआ कि सर ऐसा इसका मतलब तो आप कहना चाह रहे हो कि हमेशा रूट्स ऐसे होंगे, एक रूट टू होगा तो रूट टू प्लस वन होगा तो दूसरा रूट टू माइनस वन होगा, नहीं ऐसा नहीं बोला है मैंने, सॉरी, अगर एक रूट वन माइनस रूट टू तो दूसरा वन प्लस रूट टू होगा, तो इसका मतलब आप कहना चाह रहे हो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी हो ही नहीं सकती जिसके रूट्स आर 2 प्लस रूट 5 एंड 3 माइनस रूट 5, बिल्कुल हो सकती है, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स 2 प्लस रूट 5 और 3 माइनस रूट 5 है, दोनों के दोनों रियल हैं, लेकिन इस इक्वेशन को आप बना करके देखो कैसी आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, सम हो जाएगा 5 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो 2 प्लस रूट 5 इंटू 3 माइनस रूट 5 इज इक्वल टू 6, इक्वेशन आई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 माइनस 2 रूट 5 प्लस 3 रूट 5 माइनस 6 प्लस रूट 5 माइनस 5 इक्वल टू 0, तो इक्वेशन आई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 प्लस रूट 5, कहां रहे रैशनल कोएफिशिएंट्स, तो ये तो रैशनल है, ये रैशनल है, लेकिन ये इरैशनल कोएफिशिएंट आ गया, तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 में ये रैशनल ये रैशनल ये रैशनल, और अगर एक रूट a प्लस रूट बी टाइप का है तो नेचुरली दूसरा, सॉरी, p प्लस रूट क्यू टाइप का है तो दूसरा अपने आप p माइनस रूट क्यू टाइप का ही होगा, ये रेस्ट्रिक्शन तब जब ये रेस्ट्रिक्शन, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एक रूट टू प्लस रूट फाइव है तो दिमाग लगा लेना दूसरा 2 माइनस रूट फाइव होगा, तो उसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन को कर पाओगे, तो नेचर ऑफ रूट्स में ये दूसरा पॉइंट था। तो अब हमने नेचर ऑफ रूट्स पढ़ी, एक तीसरा पॉइंट नेचर ऑफ रूट्स में, इमेजिनरी रूट्स इफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इमेजिनरी रूट्स देन दे आर ऑलवेज इन कॉन्जुगेट पेयर, मतलब अगर एक रूट a प्लस बी आयोटा है, आयोटा याद आया, अगर वन रूट a प्लस बी आयोटा है तो अदर रूट क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट होता है a माइनस बी आयोटा, जैसे उधर इरेशनल पर प्लस माइनस देखा था ऐसे इधर इमेजिनरी पर प्लस माइनस, एक रूट अगर 2 प्लस 3 आयोटा है तो दूसरा 2 माइनस 3 आयोटा होगा, देन दे आर ऑलवेज इन कॉन्जुगेट पेयर, इसका लॉजिक क्या है देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूट्स आते हैं, माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, ये नेगेटिव हो गया मतलब ये आयोटा की टर्म हो जाएगा, तो देखो प्लस आयोटा वाली टर्म माइनस आयोटा वाली टर्म हुआ ना कॉन्जुगेट पेयर, जैसे कि मान लीजिए फाइंड, आपको नहीं करना है मैं करता हूं, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू सी, जिसे इसको देखो, तो इसके रूट्स कैसे निकालते हैं, सब धनाचार लगा देते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू है, तो रूट्स कैसे है, माइनस वन प्लस माइनस रूट ओवर माइनस थ्री बाई टू, रूट ओवर माइनस थ्री को क्या लिख सकता हूँ, रूट ओवर थ्री आयोटा, तो माइनस वन प्लस माइनस रूट ओवर थ्री आयोटा बाई टू, तो रूट्स कैसे आए, माइनस वन प्लस रूट थ्री आयोटा बाई टू, तो दूसरा आया माइनस वन माइनस रूट थ्री आयोटा बाई टू, ठीक है। तो जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको इसमें से देता हूं, आप स्क्रीन शॉट ले लेना, नेचर ऑफ रूट्स पे तीन पॉइंट मैंने पढ़ा,
अब इससे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं, अभी आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, मैं दो क्वेश्चन और कराऊंगा, उतने में नेचर ऑफ रूट्स कंप्लीट हो जाएगा। I'm going to rub it. Question. If 1 plus iota is a root of quadratic equation, then root of a quadratic equation which will be, जो कि क्या होगी, ऑप्शन ए एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, बी एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, सी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन माइनस वन इक्वल टू जीरो, एंड डी नन ऑफ दिस। इसको प्लीज, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब आती है जब उसके दोनों रूट्स का सम और प्रोडक्ट हमें पता हो। अब लेकिन आपको तो एक ही रूट दिया हुआ है और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, कीजिए। Okay, I got option B. Option B. तो देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका पता नहीं है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं 1 प्लस आएगा तो दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा, तो सम ऑफ द रूट्स क्या आया, 1 प्लस आएगा प्लस 1 माइनस आएगा 2 प्रोडक्ट 1 प्लस आयोटा इनटू 1 माइनस आयोटा, 1 into 1, 1, minus iota, plus iota, minus I square. I क्या होता है? Root over minus 1. I square कितना होता है? Minus 1. तो minus minus 1. कितना आया? 2. तो sum 2 product होती है. Equation आ गई x square minus sum into x plus product is equal to 0. Option A will be the correct option. Shivang Vedya का A, Sujas का A, Himanshu का A. बाकी सबका गलत था। ओके, अगला क्वेश्चन है, इफ माइनस रूट थ्री इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, वेयर बी एंड सी आर रैशनल, देन बी इज टू सी इज ऑप्शन ए वन इज टू वन माइनस वन इज टू वन वन इज टू टू बी माइनस वन इज टू।
नंदिनी पात्र ने रिप्लाइड बी ओके तो क्या हुआ बच्चों इक्वेशन थी हमारी x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो रूट्स थ्री माइनस रूट थ्री तो दूसरा हो जाएगा इरेशनल का साइन चेंज करते हैं तो सम ऑफ द रूट्स इन दोनों से इक्वेशन बनाते हैं सम ऑफ द रूट्स सिक्स प्रोडक्ट नाइन माइनस थ्री सिक्स इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो बी की जगह माइनस सिक्स सी की जगह सिक्स तो बी इज टू सी माइनस सिक्स इज टू सिक्स माइनस वन इज टू वन दैट इज माइनस वन या तो माइनस वन आंसर होगा या माइनस वन इज टू अब आगे बढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नेचर ऑफ रूट्स पूरा हो सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको आती है वर्ड प्रॉब्लम्स भी बच्चों आपने बहुत प्रैक्टिस की है तो अब हमारा अगला टॉपिक है फॉर्मिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आपको ऑलरेडी पता है इफ अल्फा बीटा जो चीज पढ़ रहे हैं वो ऑलरेडी हमें पता है आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉरी अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन द इक्वेशन विल बी then the equation will be x square minus sum of the roots into x plus product is equal to 0 already आपको पता है polynomial में भी पढ़ लिए तो यहाँ से question मैं आपको कराता हूँ तो basically quadratic equation लिखने के लिए आपको क्या क्या चाहिए to write a quadratic equation we need two things sum of the roots and product of the roots या तो ये चाहिए या फिर क्या चाहिए रूट्स सेपरेटली यानी दोनों रूट्स अगर अपने को मिल जाए तो हम ये चीज निकाल करके भी इक्वेशन लिख सकते हैं तो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं इफ और दूसरा टॉपिक है जो भी आपको ऑलरेडी पता है फॉर्मिंग तो हो चुका है अगला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स तो अगर इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो देन अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए सब कुछ आपको पता है इस कॉन्सेप्ट पर यानी फॉर्मिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वेशन बनानी हो तो सम और प्रोडक्ट चाहिए और अगर इक्वेशन दी हुई है तो सम एंड प्रोडक्ट हम लोग निकाल सकते हैं अब मैं आपसे यहां पे पांच क्वेश्चन कराऊंगा उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन का समापन समारोह हो जाएगा ठीक नहीं एक पैराबोला वाला मुझे बताना है इसके बाद वो ग्राफ वाला मैं बता दूंगा आपको देखिए यहां से मैं आपको चार क्वेश्चन कराऊंगा अगर वो चारों आपने कर दिए मीन्स You are all set for quadratic equation chapter. Okay. पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने एकदम कॉन्शियसली करना क्वेश्चन का If alpha beta are the roots of the equation x square minus 6x minus 2 equal to 0 then mod of alpha minus beta is equal to option A
रूट सेवन, ऑप्शन बी टू रूट इलेवन, ऑप्शन सी थ्री एंड डी नन ऑफ दिस। टाइम लिमिट्स 2 मिनट्स, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मुझे आंसर भी मिला बच्चों, वेरी गुड। या पुराना आंसर है, आई एम नॉट श्योर कि ये पुराना आंसर है कि ओके। शिवांग वैद्य रिप्लाइड बी, तो बच्चों अल्फा माइनस बीटा हमें इक्वेशन क्या दी हुई है, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, इसके रूट्स क्या है अल्फा बीटा। तो अब अल्फा प्लस बीटा मुफ्त में मिल जाता है, माइनस बी बाई है, अल्फा बीटा सी बाई है, तो अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर में इंटरेस्ट है, विच इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस फोर अल्फा बीटा, छत्तीस माइनस फोर इंटू अल्फा इंटू बीटा, छत्तीस और एट 44, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है 44, मींस अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा रूट ओवर 44। अल्फा माइनस बीटा का मोड इसलिए पूछा क्योंकि स्क्वायर रूट नेगेटिव भी आ सकता है, तो 4 इंटू 11 टू रूट ओवर 11, सो दिस विल बी द करेक्ट। ठीक है, तो बी सभी ने दिया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिर्फ एक टॉपिक पढ़ाना रहेगा मेरे को। अगला क्वेश्चन है, इफ डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो इज वन, देन वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज, ऑप्शन ए वन बी माइनस वन, सी ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर।
बच्चों अभी तक तो जवाब आया नहीं, मैं सॉल्व कर देता हूं, आप लोग भी करते रहें। देखो ये बोल रहे हैं कि ये जो इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, इसके रूट्स अल्फा बीटा हैं तो उनका डिफरेंस वन है। अब दुनिया जानती है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा मुफ्त में मिल जाता है, तो हम स्क्वायर स्क्वायर किया तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर भी कितना होगा ऊपर। ये क्या होता है, ये होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, क्योंकि हाउ कैन आई करेक्ट ए बी सी विद दिस रिलेशन बाय यूजिंग अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, सो आई एम यूजिंग इट। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मींस माइनस बी बाई ए होल स्क्वायर, सी बाई ए इज इक्वल टू वन। What do I get? B square by A square minus 4C by A is equal to 1. So B square minus 4AC by A square equal to 1. So B square minus 4AC is equal to A square. कोई आंसर नहीं दे पाया था क्योंकि आप क्यों नहीं कर पाए ये आपको अच्छे से पता है बच्चों, ये आपको पता था। स्क्वायर क्यों किया ये आपको नहीं पता, यहां से यहां क्यों पहुंचे ये आपको नहीं पता। तो लॉजिक मैंने दिया ना, If I want to connect alpha beta through ABC, if I want to connect relation between roots with the coefficients of the equation, then there is only one way, which is sum of the roots and product of the roots. तो उसी का सहारा लेना था, तब आप ABC से connect हो जाते हैं। Okay, तो अगला question है एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है इफ सॉरी अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, देन द इक्वेशन whose roots are two alpha plus one and two beta plus one will be। Concepts को ध्यान में रखना, वो equation आपको बता दी जिसके roots two alpha plus one and two beta plus one। मैं भी options बना देता हूँ, आप लोग भी solve कीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, नन ऑफ दिस। ये क्वेश्चन होना चाहिए बच्चों, टाइम लिमिट इसके लिए दो मिनट दूंगा।
ओके आई गॉट ओनली टू रेस्पॉन्सेज फ्रॉम योर साइड विच आर बी एंड डी. देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो के रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा. वैसे तो बच्चों मैंने जब पॉलीनोमियल पढ़ाया था या क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब पढ़ाया था तब ऐसे क्वेश्चन करवाया तो था, मुझे अच्छे से पता है. यहां से अल्फा प्लस बीटा माइनस वन और अल्फा बीटा माइनस वन. अब मुझे क्या है, एक इक्वेशन चाहिए नहीं पता, लेकिन उसके जो रूट्स हैं वो क्या है, टू अल्फा प्लस वन. अब मैं इक्वेशन तभी लिख सकता हूं जब मुझे सम ऑफ द रूट्स पता हो. तो टू अल्फा प्लस वन प्लस टू बीटा प्लस वन का सम चाहिए. तो टू अल्फा प्लस बीटा प्लस टू, टू अल्फा प्लस बीटा माइनस वन, माइनस टू प्लस टू जीरो. तो नए रूट्स का सम आ गया, नए रूट्स का प्रोडक्ट भी निकालते हैं. टू अल्फा प्लस वन इंटू टू बीटा प्लस वन, फोर अल्फा बीटा, टू अल्फा टू बीटा प्लस वन, फोर अल्फा बीटा, टू अल्फा प्लस बीटा माइनस फोर माइनस टू प्लस वन माइनस का फाइव. तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू x square minus sum, what is product here, minus 5. So equation क्या हुई, x square minus 5 is equal to 0. तो b will be the correct option. अब देखता हूँ किस किसने correct जवाब दिया. विभास नाथ ने सही दिया था, नंदिनी पात्रा से गलत हो गया, शिवांग वैद्य करेक्ट है, साक्षी गलत, हिमांशु बंजारे गलत, सुजस यादव करेक्ट. तो अब आपको समझ में आ गया बच्चों कि किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई जाती है और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं. मैंने आपको जितने डिफिकल्ट क्वेश्चन में करवा सकता था और जितने कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपको बता सकता था, आई हैव इंट्रोड्यूस्ड एवरीथिंग. तो बेसिकली बाकी आपने पढ़ा हुआ है, वर्ड प्रॉब्लम्स आनी नहीं है, और अगर आएगी तो वो छोटी आएगी क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में टाइम लगता है सॉल्व करने में. तो ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कॉन्सेप्चुअल, तो नेचर ऑफ रूट्स हो गया, फॉर्मिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रिलेशन बिटवीन सम एंड प्रोडक्ट, यानी रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स, इन्हीं से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है. आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तब आपको रियलाइज होगा कि सर आप सही बोल रहे थे. ओके, तो अब एक कॉन्सेप्ट आया था पैराबोला वाला, वैसे तो नहीं पूछा जाएगा एनटीएससी में, लेकिन मैं बता देता हूं एक छोटा सा टॉपिक, ग्राफ ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. जब भी आपने ग्राफ को समझा है, अभी तक आप सिर्फ एक ही टाइप का ग्राफ पढ़े हो, 11th 12th में आप बहुत ग्राफ्स पढ़ोगे, बट अभी तक आपने एक ही टाइप का ग्राफ पढ़ा है, वो है स्ट्रेट लाइन का ग्राफ. ग्राफ क्यों बोलते हैं, ग्राफ मतलब बच्चों होता है ग्राफ पेपर पर जो स्केच या अगर यहां पर डेज है और यहां पर किसी बिजनेसमैन या किसी कंपनी की अर्न्ड प्रोफाइल, प्रोफाइल इस डे में इतना कमाया, मतलब अर्न्ड मनी की प्रोफाइल या रेवेन्यू जो जनरेट हुआ इस डे पे इतना, इस डे पे इतना, तो ये ग्राफ है. तो ग्राफ हमेशा दो चीजों के बीच होता है. जैसे जब इस स्ट्रेट लाइन का आप ग्राफ बनाते थे तो ग्राफ किस किस के बीच में बना रहे हैं, एक्सेंट how x and y are connected with each other, it is shown by the graph. तो इसके ग्राफ की बात करें, देखो मैं गारंटी दे रहा हूं कि not for NTSC, गारंटी दे रहा हूं कि नहीं पूछा जाएगा, लेकिन चूंकि ये बड़ा रद्दी शर्मा ने इसको पॉपुलर किया हुआ 10th में, तो इसलिए मैं बता देता हूं, क्योंकि ये 10th के सिलेबस का है ही नहीं, जबरदस्ती इसको बताया जाता है. अच्छा, नंबर ऑफ जीरोस वाला जो सिस्टम है वो आपको पता ही है, अगर किसी का ग्राफ ये है, वाई ये है और एक्स ये है, मतलब एक्स और यू पी एक्स की वैल्यूज, एक्स के साथ पी, इस एक्स पर पी एक्स की वैल्यू इतनी है, इस एक्स पर पी एक्स की वैल्यू इतनी है, तो एक्स वर्सेस पी एक्स अब देखा जाता है, तो पी एक्स कहां कहां जीरो हो रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस एक दो तीन चार. तो बेसिकली इसका जो ग्राफ है, मतलब इधर x होता है और इधर ax square plus bx plus c, इधर उसकी वैल्यूज होती है,
तो बेसिकली ये चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। मतलब ग्राफ का मतलब होता है स्केच बिटवीन एक्स एंड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी हाउ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज डिपेंडेंट ऑन एक्स। दिस कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द ग्राफ। इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पूछी जाएगी, बर्बाद है वो, इतना लंबा लंबा एक एक पेज भर जाता है, हमें एनटीएससी में नहीं आएगा। ये वाली जो चीजें हैं, मतलब आपने पढ़ी तो है बच्चों, फोर्थ चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको पढ़ाया गया है, ऐसी इक्वेशन को क्यों पूछेगा, पागल थोड़ी है वो। आरडी शर्मा की बुक से थोड़ी ना क्वेश्चन देगा वो, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देगा। इसमें आप क्या करते हो, फालतू वर्ड प्रॉब्लम होती, पांच छह लाइन का तो क्वेश्चन बनेगा, फिर उसके बाद में ऐसे इक्वेशन पे पहुंचोगे, फिर उसको सॉल्व करोगे, तो वो ऐसे फालतू क्वेश्चन नहीं पूछेगा। यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। तो बेसिकली स्केच बिटवीन एक्स एंड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इट इज अ पैराबोला, इट इज अ पैराबोला। पैराबोला आप नहीं जानते हो, जस्ट लर्न इट, रटना है, समझना नहीं है। तो इफ ए ग्रेटर देन जीरो देन ग्राफ लुक्स लाइक, मतलब देन पैराबोला इज वर्टिकली अपवर्ड्स। मतलब जो ग्राफ आएगा, अब इसको पी एक्स भी कह सकते हो, तो अगर ये x है और इधर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स की प्लस सी की वैल्यूज दिखा रहे हैं, तो या तो ऐसा ग्राफ आएगा बट पैराबोला वर्टिकल अपवर्ड है, या ऐसा, मतलब कोई भी एक आ सकता है ये, या फिर ऐसा एक ऊपर की तरफ ही आएगा। इस केस में आप देखो, इस ग्राफ को अगर ऑब्जर्व करो आप, तो इसकी वैल्यू कहीं पर भी जीरो नहीं होगी। इसकी वैल्यू यहां जीरो हो रही है और इसकी वैल्यू दो पॉइंट पर जीरो हो रही है। तो आप देखोगे कि वर्टिकली पैराबोला तो कई तरीके से बन सकता है। मैं नहीं पढ़ाना चाह रहा था लेकिन पढ़ाना पड़ रहा है बच्चों, इतनी इंटरेस्टिंग चीज है कि इसको ना माहौल बना करके पढ़ाया जाता है। लेकिन अभी मैं आपको रटा रहा हूं, लेकिन आपको नेगेटिव नहीं होना है, क्योंकि अब मैं मन से समझा रहा हूं, तो मन से ही समझना है, क्योंकि अब आप जो भी पूछोगे मैं जवाब दूंगा। क्या होता है, एक फैशन है, जो फैशन स्कूल में और कई जगह चला हुआ है, वो क्या फैशन है मैं समझाता हूं। नाइन्थ क्लास के बच्चे को ऐसी चीज पूछो या पढ़ाओ जो इलेवेंथ ट्वेल्थ में है, लेकिन जब वो चीज पढ़ा रहे हो तो उसको आप अधूरी पढ़ाओ, ताकि बच्चा सिर्फ रटे उसको। तो नाइन्थ क्लास के बच्चे को क्या लगता हो रहा है, वाह ये सब तो बड़ी हाईफाई चीज दे रहे हैं। ऐसी टेंथ में भी ऐसी चीजें घुसा दी जाती हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। पैराबोला इलेवेंथ वाले पता है कब पढ़ते हैं, जब आधा सिलेबस हो जाता है तब पढ़ते हैं उसको। टेंथ में रद्दी शर्मा नाम के गणितज्ञ ने टेंथ में डाल रखा है, या कई सारे रेफरेंस बुक में, जबकि पैराबोला की एक सिस्टमेटिक स्टडी होती है बच्चों। तो उसमें क्या हो जाता है, टेंथ वाले बच्चों को लगता है अरे वाह यार ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। तो इस चीज का ना ये कई बुक्स में, मतलब क्या होता है, टेंथ वाले बच्चों को वो दिखा दो जो उन्होंने नहीं देखा। जैसे कि बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले क्या करते हैं, टेस्ट पेपर जब भी कोई स्कॉलरशिप टेस्ट ऐसा लेंगे, या सैंपल टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन डाल देंगे, या अपने मटेरियल में ऐसे क्वेश्चन डालेंगे जानबूझ करके जो टेंथ स्टैंडर्ड के नहीं है, इलेवेंथ और ट्वेल्थ के। बच्चों को क्या लगता है, अरे वाह यहाँ तो बहुत स्टैंडर्ड पढ़ाया जाता है, जबकि बच्चों सिर्फ टेंथ के सिलेबस से ही आप इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना सकते हो टेंथ के बच्चों के लिए। तो बेसिकली मार्केट में ये जो प्रचलित चीज है, इसको मैं तो फॉलो नहीं करता हूँ और ना ही बच्चों को फॉलो करने देता हूँ। जो रिलेवेंट है उसी में आप जितना पोस्टमार्टम कर सकते हो, दैट इज वेरी गुड, करना भी चाहिए। तो अब आपको ये पता नहीं है कैसे आया, क्यों आया, बस आया, ऐसे ही शेप होता है। आपको कौन कौन बताएगा कि ऐसे शेप आती है, बस रटा दी पैराबोला होता है,
और टेंथ वाले बच्चों को या तो स्कूल के मास्टरों ने रद्दी शर्मा पढ़ करके बोल दिया कि पैराबोला होता है, पैराबोला पढ़ते हैं, पैराबोला पैराबोला समझते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ बहुत काम का कॉन्सेप्ट होता है पैराबोला, उसको कुछ नहीं आता होगा पैराबोला में, या अगर आता भी होगा तो बता नहीं रहा है। वही मैं कर रहा हूँ, बता नहीं रहा हूँ कैसे आता है, क्यों आता है पैराबोला, क्यों आता है ऐसी शेप क्यों आती है, ऐसा ग्राफ क्यों नहीं आता है, ऐसा ग्राफ क्यों नहीं आता है, कोई नहीं बताएगा, बस आता है रट लो आता है। अब इसी में क्वेश्चन दे देगा फिर तो बच्चा कहां से करेगा। तो कहने का मतलब रिलेवेंट इंफॉर्मेशन आपको अभी लेनी है, और रिलेवेंट यह है कि जब अगर ऐसा कुछ हो, बच्चों आज प्रोग्रेशन नहीं हो पाएगी, मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप पहले लेना, कल डिस्कशन ले लेंगे, और फिर कल एपी का, वैसे एपी आप पढ़े हुए हो, बस मुझे तीन या चार चीजें एडिशनल बतानी है। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं इसका जो ग्राफ है ना वो कैसा है, मैं जैसे बना देता हूं, मुझे आता है इसलिए मैं बना देता हूं। इसका ग्राफ बना रहे हैं, इसका ग्राफ 0 पर वैल्यू 3 होगी, देखो 0 रख करके देखो, मतलब x वर्सेस ये बन, तो 0 पर 3 होगी, 1 पर 0 होगी, 3 पर 0 होगी, 2 पर होगी 2-8 -6 प्लस 3 -3 2 पर -3 होगी, ऐसे ग्राफ आ गया। तो इसको कहते हैं तो ये वर्टिकल पैराबोला। अब अगर मान लो ये px x एक्सिस को दो जगह काट रहा है, मतलब दो ऐसे x हैं जिन पर ये जीरो हो रहा है, तो इसका मतलब इसके लिए अगर आप देखेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होगा कि नहीं होगा, होगा ना, तभी तो दो डिस्टिंक्ट रूट्स मिले। अब अगर कोई पैराबोला ऐसा बन जाए सिर्फ टच करके निकल जाए, तो मतलब सिर्फ एक ही ऐसा एक्स है जहां पर वाई जीरो हो रहा है, तो क्या हो गया, इक्वल रूट्स। इस केस में बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब कोई ग्राफ ऐसा बने ऊपरी ऊपर से निकले, ये एक्स है और ये पीएक्स है, तो ध्यान से देखा तो सर किसी भी एक्स के लिए पीएक्स जीरो नहीं हो रहा, किसी भी एक्स के लिए पीएक्स, यानी ये ग्राफ जहां काटेगा, देखो काट रहा है तो यहां पीएक्स जीरो हो रहा है ना, इस एक्स के लिए पीएक्स जीरो, इस x के लिए px ये होता है, इस x के लिए px ये होता है, इस x के लिए px ये होता है, इस x के लिए px ये होता है। तो आपने क्या देखा कि काट ही नहीं रहा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, ठीक है। तो वही मैंने बताया कि आपको ग्राफ में अंदर तो नहीं घुसना है, नहीं आएगा बोर्ड में, कहां से आ जाएगा भाई बोर्ड में, क्यों आ जाएगा बोर्ड में, आने का कोई लॉजिक ही नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि इसका ग्राफ की शेप हमेशा ऐसी होती है, कब, जब a पॉजिटिव है, अगर लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो ऐसा है, ऐसा पैराबोला मिल रहा है, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, ऐसा मिल रहा है मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ऐसा मिल रहा है मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, और अगर a लेस देन 0 है, और अगर a less than 0 है तो पैराबोला वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। इफ a is less than 0 then पैराबोला विल बी वर्टिकली डाउनवर्ड्स, है ना। तो कैसा होगा, ये x एक्सिस ऐसा हो सकता है, जस्ट टचिंग हो सकता है, ऐसा कुछ। इस केस में b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, इस केस में b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, इस केस में b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, यू काट ही नहीं रहा। अब उसे जो पूछा था मैं बता देता हूं, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, कोई भी पैराबोला जो बना हुआ आपका, इधर आपने x रखा और इधर आपने रखा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो ये जो वर्टेक्स होता है, इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट में डायरेक्ट बता देता हूं आपको,
माइनस बी बाई टू ए कोमा फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन फोर ए। बस जिसने पूछा था उसको मैंने जवाब दे दिया। वर्टेक्स क्या होता है, ये होता है कहीं पर भी हो, इसके लिए भी वही फॉर्मूला लगेगा, इसके लिए भी वही फॉर्मूला लगेगा, इसके लिए भी वही फॉर्मूला लगेगा, इसके लिए भी वही फॉर्मूला लगेगा। अब अगर आपके स्कूल में या कहीं भी किसी भी मास्टर ने पूछा है, तो अगर वो मास्टर मुझे पता होता और आप मेरे छोटे भाई वगैरह होते हैं, तो मैं उस मास्टर को पत्थर मार देता या उसके घर जाकर के बोलता कि पढ़ाना छोड़ दे, या फिर बच्चों को पूरा पैराबोला पढ़ा, लेकिन रोलबाजी मत दे कि भाई पैराबोला आता है 11th में, अगर पैराबोला पढ़ाना है तो मेरे बच्चों को आकर के पढ़ा 11th क्लास में। मैं इतने ही रूड भाषा में उससे बात करता, टोटली रिलेवेंट ही नहीं है, लेकिन जबरदस्ती पढ़ाया जा रहा है। और ये रद्दी शर्मा नाम के मैथमेटिशियन ने ऐसा किया है 9th के बच्चों को, और स्कूल्स में रद्दी शर्मा फॉलो होती है पूरी, तो रद्दी शर्मा को भगवान बना दिया गया है, दैट इज द रीजन। इसका मतलब बच्चों मेरे अंदर का प्राउड नहीं, आई रेस्पेक्ट आरडी शर्मा नॉट रद्दी शर्मा, बिकॉज आई रेस्पेक्ट आरडी शर्मा हु राइट्स बुक्स फॉर आईआईटी एडवांस्ड मींस जेई एडवांस्ड। वो बुक मैं पढ़ता हूँ, मुझे अच्छी लगती है। यानी एक ही आदमी के दो करेक्टर मैंने बना दिए, एक करेक्टर का डिसरेस्पेक्ट करता हूँ जिसने 9th की बुक लिखी है, और उसी की आत्मा ने आईआईटी एडवांस की बुक लिखी जो कि बहुत अच्छी बुक है, मतलब जेई एडवांस की बुक लिखी। तो 10th क्लास में ओलंपियाड के नाम पर या स्टैंडर्ड पढ़ाने के नाम पर फालतू चीजें पढ़ाई जा रही हैं, जबकि रिलेवेंट में इतना कुछ है कि आप अंदर घुसो तो बहुत कुछ मिलेगा पढ़ने को। तो बोर्ड्स में नहीं आते हैं। अब मुझे ये बताओ कि आपका ये कितने लोगों को समझ में आया, जिनको समझ आया टाइप यस, जिनको नहीं समझ में आया टाइप नो। चलो ठीक है, आया समझ में। देखो बच्चों, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ और क्लास एंड कर रहा हूँ, तो होमवर्क आप ध्यान से सुनना। पहले कल होमवर्क का डिस्कशन होगा, फिर मैं आपको सीक्वेंस, क्योंकि आपसे सारा जो भी होमवर्क दूंगा सब हो जाएगा। डाउट्स आएंगे तो, एक तो डाउट्स आएंगे, आपका होमवर्क मैं आपको बताता हूँ क्या है। मैं आपको 50 क्वेश्चन के लगभग दूंगा, जिनको आप आज ही निपटा देना और कल डाउट डिस्कशन लेना। कल भी मॉर्निंग में क्लास होगी, तो बेसिकली आपका होमवर्क है शीट यूनिट टू एनटीएसी की, जो शीट है उसकी यूनिट टू में से होमवर्क दे रहा हूं। चैप्टर मैंने चूज किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या क्या करना है आपको। इलेवन टू ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स फोर्टी फाइव टू फिफ्टीन फिफ्टी एट टू सिक्सटी। उसके बाद एपी से आपको क्या क्या करना है, ये पहला होमवर्क, ये दूसरा होमवर्क। एपी में टोटल 34 क्वेश्चन है, सारे के सारे फेल दो, क्योंकि सारे आपसे हो जाएंगे। ये चलो ठीक है, 20 तक ही कर दो, एक से 20 बस कर दो। उसके बाद में थर्ड है, थर्ड होगा प्रीवियस इयर्स एनटीएसई क्वेश्चंस यूनिट टू, क्योंकि यूनिट फोर के तो आप निपटा चुके हो। ये है करीब 22, तो 22 यहां से दिए, 20 यहां से दिए, और 10 दो 12 और 6 18 और 2 18 और 3 21 20 और 20 40
40 और 20 60 और 3 63 क्वेश्चंस मैंने टोटल दिए हैं, 63 इनटू 1.5 मिनट्स मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, या दो कर लो 126, मतलब मोटा मोटा दो घंटे आपको देना है। आई सजेस्ट कि 3 बजे के पहले ही देख करके खत्म करो, ताकि मैथ्स यूनिट 2 और यूनिट 4 खत्म हो जाएगा, कल डाउट पूछना, फिर आप अपनी तैयारी करते रहना। कल क्लास के बाद में मैं सभी बच्चों से इंडिविजुअली फोन पे बात करूंगा कि भाई उसकी एनटीएससी की प्रिपरेशन कैसी है, टेस्ट कैसा जाएगा वगैरह वगैरह, कल जो बातें करूंगा तभी समझ में आएगा। तो आपको मैं एक सजेशन दे रहा हूँ कि मैथ्स का लोड नहीं लेना है, तो अभी 3 बजे के पहले 4 बजे के पहले इसको निपटा करके आराम से अपना काम कर लेना, कल डिस्कशन लेना, और सीक्वेंशियल सीरीज की कुछ 2 या 3 कॉन्सेप्ट मुझे आपको बताने हैं, वो आपको ऐसे समझ में आ जाएंगे, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। तो आप ये पूरा होमवर्क करते हैं, आपका यूनिट 2 और यूनिट 4 विल बी कवर्ड। सो फाइनली अगर आप बोलो तो नहीं शाम को क्लास नहीं होगी बच्चों, क्योंकि मैंने शेड्यूल नहीं रखी है, और शाम को मैंने अपना कोई दूसरा काम रख लिया है, इसलिए मैं शाम को क्लास नहीं ले सकता। बाकी क्लास है दोपहर में, ओके आपकी क्लास है दोपहर में, ठीक है। तो जब भी आपको आज टाइम मिले बच्चों, आज आप निपटा देना, 2 घंटे लगेंगे, कल डाउट पूछ लेना, कल मॉर्निंग में क्लास है। मैं इसलिए सजेशन दे रहा हूँ ताकि आप फ्री हो जाओ, क्योंकि आपको मैथ से ही एनटीएससी में सिलेक्शन नहीं होता है। एनटीएससी में सिलेक्शन के लिए आपको 200 में से मार्क्स लाने हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ, और मार्क्स आते हैं सोशल से और रीजनिंग से, तो आपको वो भी पढ़ना है। तो आप मैथ्स की बीमारी खत्म कर देना, ऑलरेडी आपको आता है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, आपको जब कन्वीनियंट लगे तब कर देना, लेकिन कल डाउट पूछ लेना मॉर्निंग में, ताकि मैथ्स खत्म हो चुकी है। मेरी तरफ से मैथ्स खत्म हो चुकी है, बस एपी तो आपको पूरी आती है, कुछ स्पेशल प्रोग्रेशंस वगैरह यानी कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं आपको सिखाऊंगा, आधा घंटा भी नहीं लगेगा डिस्कशन के बाद। सो फाइनली आई एम गोइंग टू एंड द स्ट्रीम नाउ। सर बहुत ज़्यादा क्लासेस हो जा रही है एनटीएससी बैच की, मैं कंप्लेन नहीं कर रहा सर, बट थोड़ी कम रखें। विभास जो तू बोल रहे हैं ना, ये पुराने जो एनटीएससी वाले बच्चे ना उनसे पूछना, पिछले 3 साल से एनटीएससी वाले बच्चों को एक संडे की छुट्टी नहीं मिलती है, और डेली शाम को 4 घंटे पढ़ते थे। वापस से रिपीट कर रहा हूँ, जितने भी एनटीएससी वाले बच्चे रहे हैं उनको एक छुट्टी नहीं मिलती है, संडे भी नहीं मिलता है, हर साल का यही है, और डेली शाम को 4 घंटे पढ़ा करते थे। तो अब आपको थोड़ा समझना पड़ेगा क्यों फिर भी हमारे सिलेक्शन लास्ट ईयर मात्र एक सिलेक्शन हुआ। तो मैं बौखलाया हुआ हूँ बच्चों, आपकी क्लासेस कम नहीं हो सकती, उल्टा बढ़ाई जा सकती है, कुछ भी करो, करो या मरो एनटीएससी में सिलेक्शन दो, मरो मतलब करो या मरो मतलब कि या तो ड्रॉप कर दो कि एनटीएससी में सरेंडर कर दिया, लेकिन इफ यू आर कमिटेड फॉर एनटीएससी तो मेहनत करो। एग्जाम से स्कूल के एग्जाम्स को बच्चों, अब आप पेरेंट्स को भी बोल सकते हो कि हमारे डायरेक्टर सर ना ऐसे बोलते हैं स्कूल के एग्जाम को बच्चों, क्या आपके 10th बोर्ड में वो नंबर जाने वाले हैं, या स्कूल के एग्जाम्स में जरा सा भी नहीं कर सकते। आप एक बार ना दोनों पलड़े में रख करके देखो, एनटीएससी और एग्जाम, लोकल एग्जाम या एनटीएससी, आपको जो पलड़ा भारी लगे आप उस पर काम करो। दैट इज स्कूल का एग्जाम, आप इस लायक हो गया कि आप 80% मार्क्स भी नहीं ला सकते स्कूल के मार्क एग्जाम में, और अगर नहीं ला पाते हो तो आप महान नालायक हो, आप एनटीएससी के लिए भी नहीं हो, मतलब आप स्मार्ट स्टडी अगर किए हुए होते तो 80% मार्क्स आराम से आ जाएंगे। ठीक है, फाइनली आई एम गोइंग टू एंड द स्ट्रीम नाउ। थैंक यू आ गया मुझे कि सर अब बस बहुत बोल लिया आप निकलो। ठीक है, बाय बाय एवरीवन।